देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए आज 28 तारीख है और आज बिहार बंद जो है वो आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों के द्वारा बुलाया गया। हालांकि इसमें अब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी शामिल हो गई हैं और उनका सीधे तौर पर जो सपोर्ट है वो मिल रहा है। हमारे साथ पालीगंज के विधायक हैं संदीप सौरभ जी, आप भी एक युवा हैं और युवा जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, क्या कहिए? देखिए, युवाओं को आंदोलन करने की आज ज़रूरत पड़ गई है, बल्कि कहिए कि एनडीए सरकार ने युवाओं को बाध्य कर दिया कि अगर सम्मानजनक रोज़गार चाहिए, अगर रोज़गार का अधिकार चाहिए तो आप बिना सड़क पर उतरे उसको नहीं पा सकते हैं। ये सरकार मैसेज दे रही है, इसीलिए ये आंदोलन चलेगा। और इस आंदोलन के साथ साथ उसमें जो निजीकरण के खिलाफ युवाओं के अंदर जो आक्रोश है वो भी आपको दिखेगा। निजीकरण के खिलाफ भी आवाज़ उठाने की आज ज़रूरत है, क्योंकि देश की अगर सारी संपत्ति बिक जाएगी और आने वाले दिनों में युवाओं के पास रोज़गार के अवसर नहीं बचेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा और अमीरी गरीबी का जो खाई है वो और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? युवा देश के भविष्य हैं, तो देश के जो भविष्य हैं उनको निश्चित तौर से देश की चिंता करनी चाहिए और देश की चिंता करने के लिए ही हम लोग इस संघर्ष में उतरे हुए हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि छात्र कहाँ हैं, कौन है छात्र? छात्र यहाँ आपको तमाम सारे लोग मिल जाएंगे जो छात्र हैं। महागठबंधन के तमाम दलों ने इस आंदोलन का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि महागठबंधन सिर्फ दो परीक्षा परिणामों को लेकर के इसको सीमित नहीं देखना चाहता है। हम चाहते हैं कि पूरे रेलवे के निजीकरण से इसको जोड़ के देखा जाए, रेलवे में जो लाखों पद वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं उससे जोड़ के देखा जाए। और सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि मोदी जी 2014 में सरकार में आए, 14 से लेकर के 19 तक सरकार ने बहाली नहीं निकाली और 19 में जब चुनाव होना था लोकसभा का उस समय बहाली निकली और उसमें भी गड़बड़ी आ गई है। अब कमेटी बना करके इसको 24 तक खींच के ले जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का हर विज्ञापन, बिहार की हर बहाली को हम पंचवर्षीय योजना बनने देना नहीं चाहते। लेकिन एक सवाल है कि कल खान सर जो हैं उन्होंने भी कहा कि छात्रों से अनुरोध किया कि आप आंदोलन में शामिल नहीं हो, इससे नुकसान। खान सर ने ऐसा क्यों कहा ये तो खान सर बेटर तरीके से जानेंगे। उनके ऊपर पुलिस का क्रैकडाउन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनके खिलाफ FIR है, गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो हो सकता है कि वो डर करके ये बात कह रहे हों, एक बात ये। दूसरा चीज़ कि खान सर को लग रहा होगा कि सरकार की जो कमेटी बनाई गई है वो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कमेटी जो बनाई गई है, मांग तो नहीं माना गया है, अब कमेटी इस पर विचार करेगी। तो जब हमारी मांगे पहले से ही क्लियर कट है तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय आप कमेटी का झांसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका मकसद है कि इस बहाली को खींच करके आगे ले जाना है। हम चाहते हैं कि जितने पेंडिंग बहाली है बिहार में, सिर्फ यही नहीं, आपको यहाँ कुछ लोग मिलेंगे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी सातवें चरण का ज्वाइनिंग का मांग उनका है, वहाँ से बहाली निकाला जाए। BSSC के छात्र हैं वो सड़क पर हैं। तो हर तरह के युवाओं के पास आज आंदोलन करने के अलावा विकल्प सरकार ने नहीं छोड़ा। एक आखिरी सवाल, सुशील कुमार मोदी ने भी कल आश्वासन दिया है कि रेल मंत्री से उनकी बात हुई है, एक स्टूडेंट पे एक ही एग्जाम होगा। सुशील मोदी ने ये बात कहा तो रेल मंत्रालय इस बात को क्यों नहीं कह रहा? अब सुशील मोदी की से ही मेरी बात हुई है, सुशील मोदी की बात हुई तो रेल, हम चाहते हैं कि रेल मंत्री जो है वो खुद जो हमारी 5 मांग है उसको कहे। NTPC में 20 गुना रिजल्ट दे, ग्रुप डी में एक एग्जाम ले, रेलवे का कैलेंडर फॉलो हो, तमाम रिक्त पदों को भरने का विज्ञापन निकले और रेलवे के निजीकरण को बंद किया जाए। ये मांग है सुशील मोदी के अंदर। अगर हिम्मत है तो निजीकरण के खिलाफ एक शब्द निकाल के देख लें। चलिए, देखा आपने सीधे तौर पर संदीप सौरभ थे, युवा विधायक हैं, इनका कहना है कि सुशील कुमार मोदी में अगर हिम्मत है तो निजीकरण की जो बात है वो कह के दिखाएं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन सीधे तौर पर आज जो है RRB और NTPC के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था। हालाँकि राजनीतिक पार्टियाँ, विपक्षी जो बिहार में हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, तो हमने यहाँ की तस्वीरें दिखाई। तब तक के लिए आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।